अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्योफिजिशियन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में है। इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर सूजन का आ जाना ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। हमारा कोई भी जोड़ हो, यानी ख़ास तौर पर ये जो जोड़ होते हैं, हड्डियों का जो जोड़ है, इसमें हिप बोन भी आ सकता है, इसमें नी के जो घुटनों के जोड़ होते हैं वो भी आ सकते हैं, हमारी रेस्ट के आ सकते हैं, पाँव के आ सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जोड़ जो होते हैं उनके दर्दों को कहा जाता है। अब ये अगर हम फिंगर को हिलाएंगे भी तो भी पेन होना शुरू हो जाएगा, हमारे स्पाइन के जोड़ में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो अगर और हाथ अगर लगाया जाए, ये देखा जाए तो सूजन साफ नज़र आती है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो ये बेसिकली होता क्यों है और होता किन को है? ये ख़ास तौर पर उन लोगों को होता है जो ओल्ड एज के होते हैं, वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जर्शन करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्समैन जो बहुत ज़्यादा इससे काम लेते हैं, जो जोड़ होते हैं उन लोगों को ऐसा होता है। ये किस वजह से होता है? ये जो कार्टिलेज होते हैं उनके ब्रेकडाउन से होता है, यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है। इसके ये मुख्तलिफ काजेस होते हैं। इसके टेस्ट क्या क्या होते हैं? इसके एक्सरे टेस्ट होता है, आरए इसका टेस्ट होता है, यूरिक एसिड भी टेस्ट किया जाता है कि कहीं यूरिक एसिड ज़्यादा तो नहीं है जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। जैसे ही सोने लगते हैं तो दर्द बहुत शदीद हो जाता है, बरसात होती है तो शदीद दर्द हो जाता है, उठते बैठते बेचैनी होती है। अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम है तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। हाँ, अगर आप चलने लगेंगे तो दर्द कम हो जाए और जैसे ही आप बैठें तो दर्द ज़्यादा हो जाए तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसका होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है। सबसे पहले जो इसका इलाज है उसका नाम है रस्टॉक 30 आप ले लें, ब्रायनिया 30 आप ले लें और आर्निका 30। आप इसको तीनों को मिला लें और फिर इसके दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको ये रिलीफ देगा, मगर आपको एक महीने से दो महीने इसका इलाज करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।